हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज हम डार्क रूम के इंट्रेंस डोर सिस्टम और पास बॉक्स के बारे में बात करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में डार्क रूम की स्ट्रक्चर वॉल्स सीलिंग और फ्लोर के बारे में बात की थी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं आज के वीडियो में डार्क रूम इंट्रेंस डोर सिस्टम और पास बॉक्स को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आइए जानते हैं डोर सिस्टम और पासबॉक्स के बारे में डार्क रूम में इंट्रेंस डोर सिस्टम फोर टाइप के होते हैं सिंगल डोर सिस्टम डबल डोर सिस्टम मेज और लेबर एंट्रेंस डोर सिस्टम रिवॉल्विंग डोर सिस्टम तो सबसे पहले सिंगल डोर सिस्टम के बारे में जानते हैं इट इज़ सिंपलेस्ट एंड चिपेस्ट टाइप ऑफ एंट्रेंस यह डोर सिस्टम इंट्रेंस का सबसे सिंपलेस्ट यानी सरल और चिपेस्ट मतलब सस्ता एंट्रेंस डोर होता है द डार्क रूम हैज ओनली वन डोर फॉर एंट्रेंस एंड एग्जिट मतलब डार्क रूम के सिंगल डोर सिस्टम में एंट्रेंस और एग्जिट के लिए ओनली एक डोर ही होता है दिस टाइप कैन कैस एक्सीडेंटल एक्सपोजर ऑफ फिल्म टू वाइट लाइट यानी इस प्रकार के डोर से डार्क रूम प्रोसेसिंग करते टाइम फिल्म पर वाइट लाइट का एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो सकता है मतलब फिल्म को लाइट लग सकती है जिससे फिल्म खराब हो सकती है द सिंगल टाइप डोर इंटेंस मस्ट बी लाइट टाइटेंट एंड इंटरलॉक सिस्टम सिंगल टाइप डोर इंटरेंस लाइट टाइट होना चाहिए मतलब डार्क रूम के इस डोर से लाइट अंदर नहीं आनी चाहिए क्योंकि लाइट अंदर जाती है तो फिल्म फोग हो सकता है और इस डोर के अंदर ही एक इंटरलॉक सिस्टम लगा होता है नॉट ट्रूली लाइट प्रूफ मतलब यह पूरी तरह से लाइट प्रूफ नहीं होते इससे लाइट डार्क रूम में आ सकती है सेकंड है डबल डोर सिस्टम हैज टू डोर्स मतलब इस प्रकार के एंट्रेंस सिस्टम में टू डोर्स होते हैं और दोनों के बीच स्पेस होता है इस डायग्राम में देख सकते हैं दो डोर है लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस है वन डोर कैनोट बी ओपन द अदर इज क्लोज्ड मतलब इस प्रकार के डोर सिस्टम में एक डोर तब तक ओपन नहीं किया जा सकता जब तक दूसरा डोर बंद ना हो बोथ डोर्स हैव इलेक्ट्रिक इंटरलॉक सिस्टम दोनों डोर्स में इलेक्ट्रिक इंटरलॉक सिस्टम लगा होता है टू डोर्स प्लेड वन बिहाइंड द अदर विथ इनफ स्पेस बिटवीन थीम टू अलाउ वन पर्सन टू इंटर एंड क्लोज द आउटर बिफोर ओपनिंग द इनर वन मतलब इस सिस्टम में दो डोर होते हैं एक डोर के पीछे दूसरा डोर होता है और बीच में पर्याप्त स्पेस होता है ताकि एक परसेंट डार्क रूम में एंटर हो सके तो दूसरे डोर को ओपन करने से पहले आउटर डोर को क्लोज कर सकें इट इज ए सेफ एंट्रेंस वाइल्ड द फिल्म इज प्रोसेस्ड इस प्रकार का डोर इंट्रेंस फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान यह सेफ एंट्रेंस डोर होता है थर्ड नंबर डोर सिस्टम है द लेबरिंथ एंड मेज टाइप एंट्रेंस हैज नो डोर्स मतलब इस प्रकार के डोर सिस्टम में डोर नहीं होते हैं द लेबरिंथ टाइप एंट्रेंस इज बाई फार बेस्ट सोल्यूशन बट इज़ मोर स्पेस कंज्यूमिंग लेबरिंथ टाइप का एंट्रेंस सबसे अच्छा डोर या सबसे अच्छा सोल्यूशन है लेकिन यह डोर सबसे अधिक स्पेस लेता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें कोई डोर नहीं होता इसमें पर्सन डायरेक्टली अंदर और बाहर आ जा सकता है पीपुल कैन एंटर एंड एग्जिट एट एनी मोमेंट मतलब इस एंट्रेंस से पर्सन किसी भी टाइम या किसी भी मोमेंट पर एंटर और एग्जिट हो सकते हैं द साइड वॉल्स ऑफ ए लेबरिंथ एंट्रेंस आर ब्लैक इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड एनी रिफ्लेक्टेड लाइट लेबरिंथ इंट्रेंस की वॉल्स ब्लैक कलर की होती है क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट को यह बाहर कर देती है इट इज एलसेप्ट एंट्रेंस विदाउट द डोर्स यह इंट्रेंस विदाउट डोर के एल सेप का होता है द पर्सनल कैन एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द डार्क रूम ड्यूरिंग द फिल्म प्रोसेसिंग मतलब इस एंट्रेंस सिस्टम में फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान पर्सन डार्क रूम में इंटर और एग्जिट कर सकता है क्विक इवाक्यूवेशन ड्यूरिंग एमरजेंसी मतलब इस प्रकार के एंट्रेंस से एमरजेंसी के टाइम आसानी से बाहर आ सकते हैं इस प्रकार के एंट्रेंस डोर की हाइट टू मीटर लेंथ थ्री मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और चौड़ाई सेवन हंड्रेड mm एम एम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फोर्थ और, तो और लास्ट डोर है रिवॉल्विंग डोर दिस डोर सिस्टम इज गुड लुक सिंपलर। मतलब तो यह डोर सिस्टम दिखने में अच्छा और सिंपल होता है यूज इन मॉडर्न डार्क रूम इसका यूज मॉडर्न डार्क रूम में किया जाता है इट इज द रोटेटिंग टाइप एंट्रेंस यह डोर एक रोटेटिंग टाइप का एंट्रेंस होता है द डार्क रूम हैज ओनली वन रोटेटिंग डोर सिस्टम फॉर एंट्रेंस और एग्जिट डार्क रूम में एंटर और एग्जिट के लिए ओनली एक ही रोटेटिंग डोर सिस्टम होता है कंपोज ऑफ टू ब्लैक सिलेंडर यह डोर सिस्टम दो ब्लैक सिलेंडर से बना होता है द आउटर सिलेंडर इज फिक्सड आउटर सिलेंडर फिक्स होता है इनर इज द रिवॉल्विंग डोर विद ओनली वन ओपनिंग और इनर सिलेंडर एक ओपन होने वाला रिवॉल्विंग डोर होता है नोट फॉर फास्ट एंट्री मतलब इस डोर से फास्ट एंट्री डार्क रूम में नहीं की जा सकती मतलब इस डोर से डार्क रूम में स्पीडली वर्क नहीं किया जा सकता दिस सिस्टम हैज द एडवांटेज ऑफ नोट टेकिंग अप टू मच स्पेस मतलब इस सिस्टम का एडवांटेज यह है कि यह है बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता यह डोर बहुत कम स्पेस लेता है सो so फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में डार्क रूम पास बॉक्स डार्क रूम बेन सिस्टम और डार्क रूम में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे और आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर व रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा